संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डाडी दा कर में जस गाउना, तारीफ करनी, वडियाई करनी, उस्तुत करनी, ते जस ओदा गावीए जी दा जस गावीए आप नीवे ना होइए। किसे छोटे दी बहुत ही वडियाई कर देंगे, लालची जापांगे, खुशामदी जापांगे, आप नीवे हो जावांगे, पर जे ओदा जस गाइए गीते वर्गा संसार विच होर है ही कोई नहीं। वो आपका वो चेहरा है, उसका जस गाने वाला भी कई बार उसकी कृपा ने उसके चरणों में थां प्राप्त कर लिया करता है। सो करिए सिफत पे करिए। Okay.
कई धर्म संसार विच आए, विचारधारा बदलदियां रहिंदियां हन। धर्म एक जगह खलो जांदा है, मनुख उन्नति करदा अगे वध जांदा है। नवे मनुख नू पुराना धर्म शांत नहीं रख सकदा, इस वास्ते नवे धर्म वजूद विच आया करदे हन। तां कोई धर्म उन्ना चिर जिंदा है जिन्ना चिर उस धर्म की खातर मरण वाले कायम रहा करदे हन। जिस वेले ये कुरबानी देनी खत्म हो जाए, धर्म मिट जाया करदे हन, कहानियां बाकी रह जाया कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिन्ना इतिहास से असर पाया है, और कोई महापुरुष जिहा नहीं मिलता किसने इन्नी तब्दीली लिया हो। बहादुरों का आगू बन के मैदान जाना ठीक है, ये भी बड़ी आई है, पर कैरों और बुजदरों बहादुर बना देना ये बहुत वड़ी वड़ी आई है। भगवान कृष्ण के सामने अभिमन्यु का पुत्र जो मरण के बाद उसके मरिया होया जन्मिया जाके तर दिता तो क्या प्रभु ये अर्जुन की बंश इस नाल मुक रही है, कृपा करके इस बच्चे नूं जिंदा कर दियो ताकि तुहाडे मित्र अर्जुन की बंश चलती रह जाए। तो मनण वाले कहिंदे हन भगवान कृष्ण ने उस बच्चे नूं जिंदा कर दिता है। क्या कितनी वड्डी करामात है, एक मरे हुए जीव नूं जिंदा कर दिता है। मनदा हाँ एक मरे हुए जीव नूं जिंदा कर देना बहुत वड्डी करामात है, पर मेरा सवाल है एक मरी हुई कौम नूं जिंदा कर देना उस तो वड्डी करामात नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मुर्दा कौम नूं जिंदगी दित्ती है, ते जिस वेले हजूर आरंभ किया अपना जीवन किन्ना हालतों का मुकाबला करना पिया। चलती गड्डी नूं चलाई जाना बड़ा आसान है, मगर खुबण विच खुबी हुई नूं फिर चला लेना बहुत वड्डी वड्डी आई है। दुनियावी तौर पर जिस दिन महाराज सिंघासन से बैठे ने उन्हां दी उम्र 9 साल तो भी घट है, भावा 8 साल 10 महीने तो 19 दिन सब बहुत छोटी उम्र है दुनियावी तौर पर। तो केरा पिया होया दुश्मनों का विरोधियों का, सब तो पहले सरकार दुश्मन है। औरंगजेब वर्गा नीतिवान जानता सी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत का बदला लेने वास्ते कोई शक्ति जरूर मैदान में आएगी, भाव सरकार दुश्मन है। उस तो बाद वारी आउंदी है धर्म के ठेकेदारां दी, एक पासे मौलवी दुश्मन है, जे कदे सिख गुरु साहिबान रस्ते विच ना आउंदे सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जांदा। एक सूफी फकीर बुल्ले शाह कसूर दे रहण वाला 2 पंक्तियां विच अपनी राय देंदा है, ना कहूँ कब की, ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। इस तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, जे गुरु तेग बहादुर महाराज अपनी कुर्बानी ना देंदे और गुरु गोबिंद सिंह महाराज मरी हुई कौम नवी जिंदगी ना देंदे, शस्त्र मैदान विच लैके ना नितरदे, हिंदुस्तान विच इस्लाम सारे छा गया हुंदा, बाकी नमूना मिलना भी औखा हो जाया करदा। सो मौलवी इस वास्ते दुश्मन है। पर हैरानी की गल है
जिस पंडित के खातर गुरुदेव ने कुर्बानी दी है ताकि इन्हों का धर्म रह जाए, वह पंडित भी दुश्मन है। तो इसका कारण की है भाई? इसका कारण धार्मिक है। पंडित ने अपनी जान बचाने वास्ते बहाना टोल ले, बहाना टोल ले, चलो गुरुदेव के सामने बेनती करते हैं। तो सूरज प्रकाश में इतों तक अनहोनी गल लिखी है, उन्हें शिवजी के मंदिर जाके फरियाद की, तो शिवजी जी ने चिट्ठी लिख दी, रुका लिख दिता कि जा गुरु तेग बहादुर महाराज के पास लै जाओ। तो गुरु तेग बहादुर महाराज ने चिट्ठी वेख के पछाण लिया कि सचमुच ये शिवजी की चिट्ठी है, इस वास्ते कुर्बानी की। कितनी हैरानी वाली गल है, जब किसी लेखक नूं दलील नाल गल समझाउण दी मुश्किल पैदा हो जाती है उदों करामातां दा आसरा लिया करदा है। असलियत की है कि पंडित दुश्मन इस वास्ते है, उहदा धर्म उत्ते जो एकमात्र अधिकार सी, मोनोपोली सी, उह खत्म हुंदी है। सिखी जन्मजात दी विरोधी है, ब्राह्मण दा सारा अडंबर जिहड़ा जन्मजात दे आसरे ते है, तो इस वास्ते वह दुश्मन है। साढ़े इत्थों धर्म का अधिकार निकल जाएगा। तो बाकी गल रही शिवजी की चिट्ठी की, मेरी निजी राय है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीवन, गुरु तेग बहादुर महाराज जीवन में मैं स्पष्ट करने का यत्न किया है कि अपने भी दुश्मन सन। भाविक पास सरकार दुश्मन है, दूसरे पास धर्म के ठेकेदार दुश्मन हैं, तीसरे पास अपने दुश्मन हैं। ऋषि चंद की औलाद दुश्मन है, तीरमल दुश्मन है, राम राय दुश्मन है, और इस त्रिकड़ी ने राम राय के राही औरंगजेब न एक पासे भड़काया, दूजे पासे पंडितों शह दी। जा गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सामने, जे थोड़े धर्म की रक्षा वह नहीं करेगा तो होर कौन करेगा? ये एक दूरा दूरी चाल है। गुरु तेग बहादुर महाराज इन्हों की सहायता करे, सरकार के कहर का शिकार बनने, जे इन्हों जवाब दे देंगे असी कहे इन्होंने गुरबाणी की अवज्ञा की है। ये पूर्ण गुरु नहीं हैं, जो गुरबाणी कहती है जो शरण आवे जिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संदा, इन्होंने शरण आया कंठ नहीं लाया, इस वास्ते सही गुरु नहीं है। मेरा पहन तो भाव है कि अपने भी दुश्मन हैं, तो चफेरा दुश्मनों में घिरया होया है। हजूर ने अपना जीवन आरंभ करना है तो रस्ते भी अनेक हैं। पहला बड़ा आसान रस्ता सी, आप सिमरन में लीन रहेंगे, माला फेरते रहेंगे, चढ़ावा चढ़ाने वाले का काटा कोई नहीं सी, मथा टेकने वाले बतेरे सन। मेरी कोई शर्त सी कि जालम के सामने मजलूम की फरियाद उठाने वास्ते तैयार ना होंगे, तो कोई रुकावट नहीं सी। भाई भगत कबीर जी ने कहा, संता मानो दूता डानो एक उठवारी मेरी, ये जिम्मेवारी ना उठाते तो कोई मुसीबत नहीं सी। गुरुदेव ने कमजोर रस्ता हजूर की बलवान आत्मा ने प्रवान नहीं किया। तो दूसरा राह सी अपने पिता वांग शांत रहिंदे होए अपने आप की कुरबानी दे देंदे। ये नुस्खा पहले अजमाया जा चुका है। गुरु तेग बहादुर महाराज की कुरबानी ने हिंदुस्तान की अणख जड़ा तक हलूण दिता है, पर जालम नूं जुल्म तो नहीं रोक सकी, क्योंकि शहीदां दे खून विच सदा दिल भिजिया करते ने। पत्थर का टुकड़ा कदे नहीं भिजिया करता, तो पत्थर का एको इलाज है दुनिया में, लवो ताकत आ थोड़ा हाथ में, तोड़ के रेत ना रेत जरे ना जर्रा मिला दियो, ताकि फिर किसी आजादी के पांधी नूं ठोकर लगाने जोगा ना रह जाए। तो गुरुदेव ने जुल्म का टाकरा करने वास्ते शक्ति का रस्ता प्रवान किया है। नेत्र बंद करके समाधियां लाने वाले अखां उघाड़ के निशानियां ते तीर मारन दे अभ्यास विच ला दिता है। सिमरन करन वालियां माला फेरन वालियां दे गात्रे कृपाना पहना दित्तियां ने। फौजी तैयारी शुरू हो गई है, सरकार भी घबराई नवें नवें कि इस देश के अंदर एक अल्लाह दे घर मस्जिद तो बगैर बाकी कोई ठिकाणा नहीं रहना चाहिए। तो इस आइन के थले हजारा मंदिर ठा के मिटा दिते गए। जोश इस्लाम के जोश वाले ने तड़ मारी कि मस्जिद बनाकर शेख ने मिसमार बुतखाना किया। कितनी वड्डी मल मारी है शेख ने, इस्लामी राहबर ने बुतखाना भाव मंदिर ढा के उहदे सा मस्जिद खड़ी कर दी है। किसी दिल जले ने हौका भरिया, मस्जिद बनाकर शेख ने मिसमार बुतखाना किया। पहले तो कुछ रौनक भी थी, अब साफ वीराना किया, सारे वीरानियां छा गई हैं। मसंदा आन के बेनती की, सच्चे पातशाह मंदिर ढाए जा रहे ने, वारी गुरुद्वारियां दी भी आ जानी है। सो सारी बेनती मनो खालसा जी, हुण तुसीं अगां चाह वरतौणी ये बंद कर दिओ, जिहड़ी वध जाएगी वह मैं कल्ला पी लवांगा।
रख दे उसनूं। चाह पीण दे शौकीन भी नाराज ना होण, मैं उम्र भर नहीं पीती, मेरा कख नहीं जे विगड़िया, ना पियोल दे कुछ नहीं विगड़ेगा। हाँ भाई, जे इन्हां गल्लां नालों प्यारे दे जस नालों चाह दी ज्यादा तमन्ना है ते अंदर जाके पी लो। खैर मैं अर्थ कर रहा सी, किते दिल जले ने होका भरिया, सब विरियानियां छा गईयां ने। मसंदा बेनती कीती सच्चे पातशाह, मंदिर ढाए जा रहे ने, वारी गुरुद्वारियां दी भी आ जाणी है, असी इन्हां दा सत्कार बचा नहीं सकांगे। सो आग्या दे दिओ अपने पंथ नूं कि धरती दे थले पूरे पुट के उत्थे गुरुद्वारे बना लैण, ना किसी दी नज़र पवे, ना कोई मुसीबत सिरे आए। हजूर हस के कहण लगे कि मैनूं इह सलाह दिंदे हो कि गुरु नानक दी सिक्खी नूं धरती थले दफना दें, तुसीं गुरुद्वारियां नूं पूरियां च बदलण दी सलाह दिंदे हो। मेरे मालिक दा हुक्म आ रिहा है, इहनां ते निशान चुला दित्ते जाण। इत्थों तक केसरी झंडा चुलदा कोई गरीब देखेगा, उहदे मन विच हौसला होएगा, इत्थे मेरी बांह फड़न वाला भी कोई बैठा है। सो निशान चुला दिते गए। शाही फरमान फिर जारी होया, ये सलामी राज है, इहदे विच रागदारी कतन बंद, वेदां दे मंत्र भी उच्ची नहीं उचारे जा सकते। मसंद बहुते घबराए, कहिंदे गुरदेव हुण तां अगे नाल भी औखी बनी। अमृत वेले आसा जी दी वार दा कीर्तन, पिघले पैर टाडियां दीआं वारां, रात नूं ढोलकी छैणियां नाल चोटियां दे शब्द, जिंदगी नूं नवां रस्ता दिखाउण वाली गुरबाणी हुण इह कन्नां च पाउणी असंभव हो जाएगी। सो आप हुक्म दिओ अपने सिखां नूं कि अंदर बह के मूँह विच पाठ कर लिया करन, जदों साडे अंदर वसदा ते अंदरों बेनती नहीं सुनेगा। हजूर हस के कहण लगे, भाई गुरु नानक दा पंथ गुप्त पंथ नहीं है, ये प्रगट पंथ है। गुप्त पंथ हुंदा गुरु चेले दे कन्न नाल फूक ला के मूँह फूक मार देवे ते इहनूं मंत्र दे दित्ता, अगां किसे नूं नहीं दसणा, मगर ये प्रगट पंथ है, इहदा प्रचार भी प्रगट ढंग नाल होएगा। तुसीं ढोलकी छैणे बंद करन दी सलाह दे रहे हो, अकाल पुरख दा हुक्म है कि नगारे मर दित्ते जाण, जो मीलां तक गूंज के दसणे कि किसी दे जख्मां ते फया लगाण वाला भी कोई बैठा है। दीवान नंद चंद सामने खलोते ने, हजूर ने नज़र भर के तकिया, दातार दा निशाना समझिया, नगारा मड़िया, परे दरबार विच पेश कीता। हजूर नूं बड़ा पसंद आया, नाम तरिया रणजीत नगारा, किसले पईआं रणजीत ते चोटां ब्रह्मंड गूंज उठे।
अरदे जा पीम चंदे राज नगारा खड़किया वो सीनी लगी चोट कलेजा तड़किया उस खाजा खून उबाल के अखी रड़किया वो अज तक मेरी जू चिड़िया नहीं फड़किया ये कौन कोई रणवीर नवा ही धड़किया जो चढ़िया लै दल तौसे चोटा मारदा जो राजपूतां दे वेखे हाथ तलवारदा तरसे तन दा रथे लथे रहंदा चास शास वारदा दस कौन जो अपनी अजल नवाजा मारदा कोल बुला के मंत्री नु कहा कोल बुला के मंत्री नु कहा कौन है जो मेरे बुए के नगारे खड़का रहा है मिटा दिता जाएगा अरवे चंडा और नगारा बादशाही की निशानी है गुरुदेव ने दोवें चीजा सिख नू दे के बादशाही की नींह तर दी है घबरा गया भीमचंद राज होवे मेरा नगारा किसी होर दा खड़के मेरी की कीमत है खत्म कर दिता जाएगा हूँ उसके मंत्री ने सुने मेरा सोजीवान है परमानंद मेरा अफसोस नाल कहना पैंदा है कि सिख इतिहासकारा ने कभी भी उस नाल इंसाफ नहीं किया एक तड़ा तो वो है नामा की थोड़ी बदरी अदरा बदरी करके गुरुदेव का इतना श्रद्धालु साबित करता है कि महाराज की उस्तुत करन बदले इस गुनाह विच भीम कहंदे ने उहदियां अखां विच गर्म सलाइयां फेर दित्तियां उह सलाइयां दसवें पातशाह महाराज के चरणों में फिर रही मगर दूसरा तड़ा है जो नफरत नाल पम्मा कहंदा है मेरी राय दोहां दे विरुद्ध है क्योंकि ना तो गुरु महाराज का पूर्ण श्रद्धालु है ते ना इतना विरोधी है चतर है सोजीवान है ते अज दा विद्वान हिंदू और सियाणा हिंदू भी जे ये प्रवान करता है ते गुरु साहिबान जी की शहादत और सिखां दी तैयारी हिंदू धर्म की रखिया वास्ते एक थम सी तो उदो वह भी सोच रहे हिंदू भूषण बैनर्जी बंगाली है किसने दसा गुरु साहिबान का इतिहास अंग्रेजी के लिखे है जिसों तो उसनू पीएचडी की डिग्री मिली सर गोकुल चंद नारंग आर्या समाजी लीडर हो है जिन्हें सिखा का इतिहास अंग्रेजी में लिखे है ये दोवें प्रवान करते हैं कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत को हर नेक इंसान हिंदू अपने धर्म की रक्षा वास्ते एक कारण समझता सी और मेरा दावा है गुरु तेग बहादुर महाराज कुरबानी ना देंदे तो भारत चो हिंदू धर्म बिल्कुल खत्म हो गया होंगे असल में गुरु तेग बहादुर महाराज का निशाना औरंगजेब ने यह कहना सी कि सरकार धर्म निरपक्ष होनी चाहिए सरकार बेदीनी नहीं सैकुलरिज्म का अर्थ सरकार का बेदीनी होना नहीं सगो सारे धर्मां विच निरपक्ष होंदा है जे एक मुसलमान नूं हक हासिल है कि मक्के वे जाके उस संगे असद नूं बोसा देवे भाव एक अनकड़े काले पत्थर की पूजा करे तो हिंदू नूं एक कड़े हुए पत्थर की पूजा करन तो क्यों रोकिया जाए उहदे अकीदे ते चोट नहीं लगनी चाहिए तो मेरा कहने तो मतलब कि नेक और दूर दी सोचण वाला हिंदू सदा सिखां दा हमायती रहे सो परमानंद वजीर भी राजा भीम चंद दा बहुत सोजीवान है वह समझदा महाराज की ताकत हिंदू धर्म के वास्ते एक तकवीए दरस्ता है खलो के भीम चंद के सामने जरा सिर चुका के मेरे कलगी तर की तारीफ कर रहा है एक कि नगारे की गूंज आ रही है Oh, yeah.
ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੈ सोची पै गया कहना ना जाना कलगी तर की करा मात है जेड़ा एक बार ओदा दीदार कर लेंदा है उसे दा जस गाउन लग पैंदा है किते मेरा मंत्री भी मां रागी दे द्वारे तो प्रसाद लाया आया है एदे विच गुरु बोल रहे मर मैं तो इतना अनजान नहीं है मनु दी बनाई सारी मर्यादा मिट्टी विच मिला दिया सुनिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंडित दे बराबर चुमार नू दर्जा देना चाहिए राजिया दे बराबर कंगाला नू खड़ा करना चाहता है ऊच और नीक का बिल्कुल पेद मिटा देना चाहता है सुने डंके की चोट नाल कहिंदा है मानस की जात सब एक पहचान वो ये सारे एको जी हो गए साडा छतरी पुणा साडा राजे होने का अर्थ की रह गया दूसरी गल है कि गुरु चाहता है देवी देवत्या की पूजा बिल्कुल हट जाए मेरा अकाल की आराधना में लगा दिता जाए यह भी गल औखी है पिता पुरखी तो उलंघना बहुत ही मुश्किल काम होया करदा है एक होर कारण भी है गुरु गोबिंद सिंह 16-17 साल का जवान मैं उम्र सीधा बुढ़ापे नू पहुंचिया होया मनिया पर मनिया राजा बुढ़ापा जवानी दे चरणा ते चुगेगा बुढ़ापे नू लाज लगेगी एक भी होमे है तो मैं महाराज जी नू गुरु मनने लई तैयार नहीं हाँ मर नीति वाला कहिंदा है कि जे गुआंढी ताकत पकड़ रहा होवे उहदे नाल दोस्ती गंढ लैनी चाहीदी है जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल दोस्ती का ऐदनामा हो जाए तो यह बड़ा लाहेवंदा है ऐ दिन गुरु की ताकत नाल लैके गुआंढी राजे नूं धमकाया करांगे हुक्म कीता वजीर नूं जाओ महाराज दे नाल जाके मुलाकात दा वक्त नीयत कर आओ मैं हजूर दे दर्शन करना चाहना सुनिया गुरदेव ने ते हस के अब कहा मंत्री जी ये गुरु नानक दा घर है इसका दरवाजा किसी वास्ते भी कभी बंद नहीं होया करदा इहदी कुंडी सवारी नूं खड़कौणी नहीं पैंदी जिस वेले चाहे भीम चंद आ जाए असीं हर वेले मिलने तैयार हैं गुरु नूं पूजन वालिया एको दर है जिथे जो भी आए उसनों कोई रुकावट नहीं इत सिख आवे जी सदके सड़क ते खलो के सिखा नूं गाला कढ़न वाला आवे रोकण योग है कोई नहीं इत्थे पंडित आवे इत्थे चुमार आवे इत्थे साध आवे इत्थे चोर आवे मेरे धूड़ी विच करा माते इत्थे ठग आवे तो सज्जन बन जाए कौड़ा आए तो देवता बन जाए यह है करा मात किस वे इतने आन के चुगदा श्रद्धालु आ जरा अपने आप न सुचेत करके कुछ आवाज आँदी इतों वह सुनिया कर मगर वह आवाज इन्ना करना ला नहीं सुनी जाएगी जिस तरह हजूर कौन कहते हैं से अखड़िया बयान गिनी दिसंदो मापरी ओखा होर होंदिया ने जिन्हों थाई रब का दीदार होया करता है इस तरह कन भी होर होंगे ने जिन्हों थाई प्यारे की आवाज सुनाई देती है डरते चुकया इंसान आवाज आई इस तूड़ी विचों किसनों रखा रब वाले ने परसिया है वो जूना चो उत्तो मेरे नूर बंदे मेरी अंश दे नाते मशहूर बंदे इंसान की उत्पत्ति बारे अज तक दो विचारधारा चल रही हैं एक डार्विन की थ्योरी है जो कहता है कि बंदर तो उन्नति करदा करदा बंदा बन गया तो नुक्ताचीन कहेगा जे एक बंदर बंदा बन गया तो बाकी क्यों रह गए भाई बाकी क्यों नहीं तब्दील होए पर खैर उस झगड़े नहीं छोड़ो उन्हों का सिद्धांत उन्होंने मुबारक कि बंदा बंदर की औलाद है पर साड़ा पूर्वी सिद्धांत है कौ कबीर ए राम की अंश इंसान भगवान की औलाद है सो शायर इस सिद्धांत को मुख रख के लिख रहा है वो जूना च उत्त मेरे नूर बंदे मेरी अंश दे नात मशहूर बंदे तासब ते मस्ती च मकबूर बंदे होनी ते किस्मत मजबूर बंदे तो अज होर दा होर ही बन गया है बनाया सी की तेनू की बन गया है कहे राक्षा जे फड़ले निचाले तेरे अमल हो गए ने मस्या तो काले तेरे हाथ छवियां गंडासे ते पाले ते आंडी गुआंडी ददरी छाले छाले
मैं हाल तक तक दुखी हो रहा हाँ, तेरी अकलों ते लहू रो रहा हाँ। तेरे हाथ मारा ते सीने च साड़े, तिरक तेरे मथे ते हथी कुहाड़े। मेरा नाम लै ले तू पाना पुआड़े, कई दिल तो तोड़े कई कर उजाड़े। जो सच्ची सुनावे तेनू बुरा है, कले जाए उदा ते तेरा छुरा है। तू लड़ना लड़ाना है मेरा नाम लैके, तू वंडियां पवाना है मेरा नाम लैके, तू छुरियां चलाना है मेरा नाम लैके, दिलां नू दुखाना है मेरा नाम लैके। तू लाखों का धर्मी ते हाजी नमाजी, जे बंदे दुखावे ते मैं नहीं हो राजी। तू किसनू पुलाना है खेखन वखा के, वी जाना है किसनू नियाजा चढ़ा के, फसाना है किनू फंद माला दा ला के, जे मथे ते तिलकां दा चोगा खंडा के। धर्म नाल धोखा हया नाल धोखा, तू करना ना टरना है खुदा नाल धोखा। तू करना है बदियां पवाना है डाके, कमाना है ठगियां खुआ के ते खा के, गरीबां दे रत चो के उस विच नहा के। मेरे अगे तरना चढ़ावे लिया के, ये इंसाफ दा कार है थाना नहीं है ते वदियां दा इथे ठिकाना नहीं है। कदे कोई रोंदा हसाया है दस खां, कदे कोई डिगदा उठाया है दस खां, कदे कोई रुड़दा बचाया है दस खां, कदे कोई रुसिया मनाया है दस खां। जे हथी नहीं फट किसी का, तू सीता निरी माला फेरी तक कख भी नहीं कीता। माथे तिल के हथ माला बाना, लोग ने राम खिलौना जाना खिलौना। मगर मेरे दोस्त लोग पतीने कछु ना होए, ना ही राम आना। वो तो कट कट के पढ़ पढ़ की जानत, पले पले की पीर पछाणत है। असी लोगों को धोखा दे लवेंगे कि हूँ ये बहुत करनी वाला हो गया है। जो कोई रात पर भजन करता है, उड़ता है, पूजा करता है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, किन्नी कारणा कार है जी। सारी सारी रात कई बार भजन करद रात गुजार देता है, लोगों को भुलेखा दे लवेंगे। कई बार अपने आप में भी धोखा दे लेता है कि मैं हूँ कुछ हो गया हम। मगर मेरे वीर जिसनू जान ही जान कहना है, उस तू धोखा किवें दे लवेगा। उत्थे सच ही सच निबड़ है, चुन वक्कट जजमा लिया, धोखा दे लिया जा सकता है। कि रात पर जागना ही भगती है, कि उची उची वाहगुरु वाहगुरु करना या राम राम करना ही भगती है, कि यही नाम सिमरन है। गलत गल जे, ये तो केवल वसीला है। असल में सिमरन का अर्थ है जेड़े गुण नामी विच चितविदियां, वो गुण अपने विकतारन करना। सैयद बुल्ले शाह जी ने एक चीज बड़ी पते दी कही है। कई बार ऐसी चोब लाउंदे ने कि आदमी तड़प उठता है, कहिंदा बुल्लिया राती जागे ते पीर सदावे। कि इस वास्ते पीर सदाउणा है तू, कि तू सारी रात भगती भगत करता जागदा रहना है। जे जागना ही पीरी है, राती जागे तो पीर जगावे, राती जागन कुत्ते। जे जागना ही पीरी है तो कुत्ते भी तो सारी रात जागते ने, पर कदे उन्हां दा मुकाबला अपने नाल करके वेख्या ही। उन्हां दी सिफत देख सारी रात वो पहरा देंदे जिन्हें रूड़ी ते सुते। साई दा दल मूल ना छड़न पावे वड़न जुते, उठ बुलिया उठ पीर मना लै, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते। जे तू अपने प्रभु नूं राजी नहीं कर सकिया, राम राम सब को कहे, कहया राम ना होए। जिन्ना चिर राम हिरदे विच नहीं वसदा, आप राम दा रूप नहीं हो जांदा, वह गुण अंदर धारण नहीं कर लैंदा, उन्हां चिर भगती नहीं केवल भगती दा दिखावा है। खैर मैं अर्थ कर रहा सी, गुरु महाराज जी ने सिख नूं कोई अजिही लगन लगाई है, बिल्कुल काया कल्प कर दिता है, जो सोचा नहीं सी जा सकता, जो जिहा मनुख कल्पिया नहीं सी जा सकता, गुरुदेव ने वह जिहा कायम कर दिता। बड़ी मुसीबत है जिस तरह पंडित जन्म जात लैंदा सी सैकुलर राग के अंदर भी, कि अज जन्म जात मिट गई है, नामुमकिन गल है। जन्म आधा सोर पकड़ती जा रही है और पकड़ रही है। तो इतने भाई फैसला है कि इस धर्म को मनण वाला, क्योंकि बहुगिणती विच है, इस वास्ते उसे दा राज है। इस धर्म वाला इस घर विच जन्मिया, करोड़पति भी होवे, शड्यूल्ड कास्ट है, उसनू रह दित्ती जाए। एक हिंदू दा, एक सिख दा, जिसनू वो उच्च जाति है कहिंदे ने, उसका बच्चा दवाई खुणो मर जाए गरीबी के कारण, सरकार नू कदे कंते जूनी तरपदी, मगर वोट की खातर एक लखपति जिहड़ा शड्यूल्ड कास्ट है उसनू रियायत दित्ती जा सकती है। कि इस दा नाम इंसाफ है। खैर मैं इस गल च नहीं पैना चाहता, क्योंकि अग दा राज वोटां दा राज है। ते सर इकबाल दा एक शेर मैनू याद आ गया चलदियां चलदियां, कि धर्म दा और नीति दा संबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़ा रौला है कि नीति विच धर्म नू कोई थां नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वखरियां कर दियो, यही चीज़ है ना। तो सर इकबाल कहिंदा है, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाले पातशाही एक पुरखा राज, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। जमहूरीयत नू सर इकबाल तमाशा कहिंदा, जे तमाशा ते है भी तमाशा ही ना,
जिथे 51 बुरे 49 चंगिया ते राज करन दा हक रखदे ने ओ तमाशा नहीं ते होर की। कहिंदा जलाले पातशाही हो ये जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे दी। ये धर्म नूं राजनीति नालों वखरिया कर लिया जाए ते चंगेज़ वर्गा जुल्म ही रह जांदा, बाकी कुछ नहीं रह जाया करदा। मैं हिंदू धार्मिक ग्रंथ विच इक प्रमाण देना चाहुंदा हां, मेरा इशारा महाभारत जी तो है। ता ए ता असी आम पढ़ते हैं ना, अंदर सभा दुशासन ने मथे वाल द्रौपदी आंदी, दुशासन ने सभा विच द्रौपदी नूं वाला ते फड़ के लै आंदा। एक ना असी होर भी पढ़ते हैं 45 को राजसभा में, ते दो ना सानू याद नहीं उसते, या द्रौपदी ते जा 45 सही थां विच उहदा ना दोहां चो कोई नहीं सजे, ये दो सफाती नाम हैं। राजा द्रौपदी ने एक मित्र की छोटी जी कन्या, क्योंकि उसकी अपनी घर लड़की नहीं सी, लड़की गोद ली है पाली है, उसनू धी बनाया और उसे दी धी मनिया गया, क्योंकि द्रौपदी राजा द्रौपदी धी है, इस वास्ते द्रौपदी खवाउंदी है। दूजे पंचाल पंच आल संस्कृत, पंज पाणी पंज आब फारसी ता पंजाब, क्योंकि पंजाब की जमपल है, इस वास्ते इसनू 45 कहिंदे जे, असली ना इसका कृष्णा सी। खैर नावां नाल कोई फर्क नहीं, जो गल मैं कहनी है, जिसे ले आंदा सभा लगी हुई है, दुर्योधन बैठा तख्त उत्ते, तां द्रौपदी ने एक सवाल उठाया, क्योंकि उसनू कहा गया, हुक्म दिता गया, तेरे उदारे जो बस्तर हैं ये राग की मलकीयत हैं, इस वास्ते उतार दिओ, क्योंकि तुसीं राज हार चुके हो, तेनू भी हारिया गया है, इस वास्ते उतार दे। द्रौपदी ने कहा एक गल दसो कि महाराज दशरथ ने पहला अपना आप हारिया है तो फिर मैनू दाते लाया सी, या पहला मैनू दाते ला के हार गए ने तो फिर अपना आप हारिया सी? जवाब मिलिया द्रौपदी, पहले महाराज दशरथ ने अपना राजभाग दाते लाया हार गए, मुड़के चारे भरा दाते लाए हार गए, मुड़के अपना आप दाते लाया हार गए, मुड़के तेनू दाते लाया तो फिर भी हार गए। तो द्रौपदी कहती एक सवाल पूछना चाहती हाँ, जब महाराज दशरथ अपना आप हार चुके सन, मेरे उत्ते उन्हों का पति वाला हक ही नहीं सिरिया, उन्होंने की हक से कि मैंने दाते ला देंगे? कितनी असलियत है। मैं उस वे वेद व्यास बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, कर्ण बैठा है, पंजे पांडव तो हारे हुए हैं ना, सारे बैठे हैं, वड्डे वड्डे भीष्म पितामह कहना वाला विच बैठा है। तो द्रौपदी की इस गल की किसी हामी नहीं भरी, क्योंकि दुर्योधन तलवार से लटक रही थी। सो मेरी राय है, जिस वे धर्म राजनीति के असर अधीन आ जाए, धर्म गुंगा और बोला हो जाया करता है, ना वो सच सुन की शक्ति रही है, ना सच कह की शक्ति रहा करती है, दोवें मिट जाया करती है। सो इस वास्ते मेरी राय है कि धर्म और राजनीति का सुमेल चाहिए, दोवें मिल के चलने तद भी सकिया करते हैं। मगर इसे तो भाई धर्म और नीति का झगड़ा नहीं, नीता झगड़ा तो गिनती ही राजे होर कुछ नहीं। एक होर छोटी जी मिसाल देना, विसाखी आ रही है, जलियां वाले गोली चली, तो सारे लीडर हिंदू की सिख की मुसलमान की जलियां वाले के शहीदों की तारीफ करे, करनी चाहिए है, मैंने कोई इनकार नहीं। मगर कदे किसी ने जैतो के शहीदों का नाम भी लिया है? दोनों मुकाबला की जलियां वाले के शहीद होने वास्ते नहीं सन गए, केवल तकरीर सुन वास्ते गए सन, लीडर दियाँ घेरे में लैके दौड़दिया गोलियां उड़ाया गया। मगर जैतो के शहीदों बाबत ऐलान किया गया, इस लाइन तो अगे टपोगे गोली चलेगी, और पांच पांच मिनट के वक्फे बाद 3 बार गोली चली है, जिन्हों लगती सी डिग पैंदा सी, बाकी अगे वधे चले जाते सर, मंजिल से पहुँच के रुके नहीं, रुके नहीं, दोनों का की मुकाबला है। मगर शहीदों का जैतो के शहीदों का कोई नाम नहीं लगेगा, क्योंकि सैकुलरिज्म खतरा पैदा हो जाता है। चलो भी छो, मैं मनता हाँ सिख भी शहीद होया, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, जलियां वाले सारे शहीद होए, उन्होंने डुले हुए लहू ने आजादी की लहर में तकवीत दी है। पर मेरा सवाल है कि उन्होंने शहीदों का बदला लैन वास्ते एक सिख ही उठा, बाकी होर कोई नहीं उठा, सरदार ऊधम सिंह। गिरदी गिनती 1% है कौम की, तो जी 1% कौम की कौम सारे हिंदुस्तान के मत्थे तो कणक का दाग धोन वास्ते अपना लहू दे सकती है, उसमें नजरअंदाज कर देना है, अपनी बेड़ियां च आ बट्टे पाउंदे बराबर होर की है, वही उठा है। चाह वाला जकारा है, जकारा कहना हो तो दुध वाला छड़िया करो, जरा थक लगे। खैर मैं अर्थ कर रहा सी, सरदार ऊधम सिंह छोटे होंदिया मां गुजर गई, स्कूले जाने की उम्र हुई, पिता जी भी गुजर गए, किसी गुआढ़ी ने उन्होंने अमृतसर यतीम खाने में भर्ती करा दिता, उसे उसने तालीम पाई है, 14-15 साल का होया, जलियां वाले के कुछ जख्मी उथे भी गए ने, ऊधम सिंह उन्होंने जख्म धोंदा है, मरमा लगा है, पट्टियां बनता है,
और वे अपने सीने विच नासूर पैदा हो रहे हैं जो कदे नहीं मिटणगे और कदे कायम रहणगे। सो नौजवान 14-15 साल का उदम गुरु गोबिंद सिंह महाराज नु हाजर नाजर जान के एक अरदास कर रहा कहवे भाई रड़गण जो आ
यादा मेरी एक रड़कन जो आरा यादा मेरी एक बेच रड़कन जो आरा यादा मेरी एक बेच रड़कन जो आरा मर्द जो कहते हैं सो करके दिखा देते हैं, वादा कर लिया, प्रण कर लिया, समा मिलिया, अमेरिका चलिया गया है, पढ़ाई शुरू कर दी थी, उते गदर लहर नाल भी संबंध होया, पिछे भगत सिंह की पार्टी खड़ी हुई, चिट्ठी पत्र होया, उस दिन सिंह वापस दे से आया, कम च रुझ गया, पकड़े आ गया, 4 साल सजा हो गई। मेरे याद रखो खालसा जी, जज्बात कई बार चाहे उबाले वांग ठंडे हो जाया करते हैं, मगर लगन नहीं मरती, जिन्हां दे अंदर लगन है मंदिर से उही पहुंचिया करते हैं। लगन ही मिटी, रिहा होया, पेस बदलिया, नाम बदलिया, नवा नाम राम मोहम्मद सिंह नाम थले पासपोर्ट लिया, इंग्लैंड चले जा गए। मंदिर से पहुंचना है, रहने वास्ते बहाना चाहिए, अंजने की पढ़ाई शुरू कर दी थी। इस वे जलियां वाले गोली चली है, पंजाब का गवर्नर सर माइकल ओडवायर सी, जिसके हुक्म नाल गोली चली सी, मगर गोली चलाने वाला जनरल डायर सी। दुख नाल कहना पैंदा है कि शहीदां दे खून नाल रंगे हुए हाथों वाले जनरल डायर नूं उस वे दरबार साहब से जिन्हां का कब्जा से उन्हें सिरोपाओ भी बुला के दिता सी। खैर मैं अपनी कहानी से चल रहा भाई, क्योंकि तूतां वाला खूह जो मेरा नावल अबरिज करके अजकल लगा होया है 10वीं विच, वो पूरा पढ़ो, वो जिन्हां लहरां चलियां ने अंग्रेज के खिलाफ, मैं उन्हें सारियां का इतिहास दिता है और उन्होंने लेखकों के लहरों के लेखकों के आधार से दिता है। और मेरा दावा पढ़ के देख लो, एक अकाली लहर ही सफल हुई है अंग्रेज के राज, कांग्रेस ने जिन्ने मोर्चे लाए सारे फेल होंदे रहे, कोई एक भी नहीं पास होया। खैर मैं अपनी कहानी से चलना भाई, मेरा कहने तो मतलब है कि वो लगन है मिटी नहीं। तो सर माइकल ओडवायर इंडियन हाउस में खलोता, जब दूसरा संसार युद्ध चल रहा सी, ते प्रकीली तकरीर कर रहा सी, उतों के लोगों तो जो शब्द सुने ने वो दोहराए नहीं जा सकते संगत विच, मफहूम इन्ना ही समझ लो। कह रहा से अज भी मैनू भेजो हिंदुस्तान में, मैं डंडे नाल इन्हां सारे लोगों सीधियां कर देंगा। गैलरी में बैठा सरदार ऊधम सिंह, बड़ी वड्डी सारी इंजीनियरिंग की किताब है, ब्लेड नाल विचों कागज कट के उहदे विच रिवाल्वर रख के लै गए, जिस वेले बकरवा कर रहा सी गोली का निशाना बना दिता गया। सर माइकल ओडवार मर गया, सारे हाल में भाजड़ पै गई है, चाहता ऊधम सिंह तो रिवाल्वर छुट के वह भी दौड़ सकता सी, मगर दौड़न वास्ते नहीं सी गया, अंग्रेज को दसन वास्ते गया कि हुण हिंदुस्तान जाग पे। अखीर मुकदमा चलिया, एक ड्रामा ही सी और की सी, फांसी का हुक्म होया, फांसी से लटकन तो पहला सरदार ऊधम सिंह के अपने जज्बात के सुनो भाई, कातिल का कल सारे
ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕਰ ਸਾੜਨ ਬਣ ਖਿਆਰੀਆਂ ਕੱਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਕੱਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜੇ हिंदुस्तानियों इस वहम च नहीं रहना चाहिए कि चरखे नाल आजादी आ गई सी। जिन्ना चिर खून का छिड़काव ना किया जाए उन्ना चिर सोल आजादी कदे पैर नहीं पाया करती। मगर दुख नाल कहना पैंदा है अग 37 साल हो गए ने हिंदुस्तान आजाद होया। उन्हां जलियांवाले दे शहीदां दा तो उत्थे निशान बनिया यादगार बनाई है, पर हिंदुस्तान दे मत्थे तो बदनामी दा कलंक तोड़ वाले ऊधम सिंह दी अजे तक किते निशानी नहीं बनाई गई। कि इस वास्ते कि उहदे नाम पिछे सिंह सी। चेते रखो खालसा जी, जिहड़े मुल्क अपनियां बाहीं पन लिया करदे ने गुलामी दी जंजीरां विच जकड़े जाया करदे हिंदुस्तान आजाद होया है। ब्रिटिश वाले ने एक दलील दी सी, कहिंदा सी हिंदुस्तान खुशकिस्मत है जिस हद ते उसके हमला हो सकता उसे सिख वसदे हैं, और जब भी होएगा पंजाब से होएगा। पुराना इतिहास पढ़ के वेख लो, पानी पाके तक पानी पत्ता के लड़न जोगे होंगे ने, गां लड़न वाला कोई नहीं होया करता। तो गुरु गोबिंद सिंह जी जाहिरा करामात है, इसने आजादी की खातर मरण वाला सिख पैदा कर दिता है। तो मेरी राय है खालसा जी, मैं किन्ने प्रमाण दे हां, मैं गल इतों शुरू की सी। गुरुदेव कहते हैं जिसले चाहे भीम चंद आ जाए द्वार हर एक वास्ते खुले, और मेरा दावा है कि सिख धर्म तो बगैर हो कोई धर्म दुनिया का नहीं, जो हर प्राणी मात्र वास्ते हो।
रामायण पढ़ के देख लो ता ओदे विच बाल्मीकि रामायण विच कथा आउंदी है जिसले भगवान रामचंद्र वनवास कट के वापस आन के तख्त बैठ गए राजपाग संभाल लिया एक पंडित का पुत्र मर गया। उन्हें कहो नेर साई दा सारी दुनिया बेशक मर जाए मगर पंडित का पुत्र क्यों मर जाए। उसने आके फरियाद की थी कि भगवान आप जी के राज विच कोई बहुत वड्डा पाप हो रहा है क्योंकि मेरा पुत्र मर गया। तो पड़ताल की थी कि पाप की हो रहा है तो भाई मेरी बनावटी कहानी नहीं तुसी तुलसी वाल्मीकि रामायण पढ़ के देख लो ता लिखा है शिकायत होई कि संबूक नाम दा शूदर जंगल विच बैठा परमात्मा दा नाम रह रहा है ईश्वर दा भजन कर रहा है सिमरन कर रहा है उन्हें मेरा भगवान पिट दिता है और इस जुर्म विच को रब दा नाम शूदर रह रहा है उसने मौत की सजा दी गई है। तो जिस धर्म में रब दे नाम लैन वाले मौत की सजा दी गई है जे उस धर्म विच पौधा पैदा होने वाले अधर्मी हो जाए तो अनोखी गल कही। एक प्रमाण होर देना बर्मिंघम इंग्लैंड का दूसरा वड्डा शहर है तो मैं भी उसे लैक्चर देने वास्ते पहुंचया। अगे एक पादरी खलोता से उतों की ग्रंथी नाल गल्लां बातां कर रहा ग्रंथी एमए है मामूली नहीं। खैर बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा के बाद भी सिख तो ईसाई मत में सांझापन की है मैं एक गल दोवें एक रब मनते हैं बाकी कुछ भी सांझा नहीं। खैर उसकी राय से कि सिख धर्म और ईसाई धर्म इकट्ठे होकर नहीं चल सकते अनहोनी चीज कोई भी दो धर्म इकट्ठे नहीं चल सकते नहीं चल सकते अनहोनी चीज है। तुम मिसाल ले लो कि बहु गिनती चाहती है कि खतरा घट गिनती मैं तो खतरा दूर कर देना चाहना किस तरह अपने बीच मिला लेने भाव इस खा जावे अपने जज्ब कर लवेंगे खतरा अपने आप ही मिट गया क्योंकि दूजी होती ना रही तो यही चीज़ है खतरे मचा दिया यही तरीका है सारे घट तो घट यही वरत्या जा रहा बाकी बदले। तो खैर मैं उसनों एक सवाल किया मैं क्या भाई नौजवान तू ब्रिटिश है एक गल सोचो कि ईसाइया का कोई पादरी अनएजुकेटड ही हाई एजुकेटड होएगा तो फिर उसको धार्मिक की बाकायदा ट्रेनिंग होएगी साढ़े वाग ने भी जिसनों कुछ भी नहीं आता हमातर वह भी सिख प्रचारक बन जाए अनुमित कहना हाँ मैं ब्रिटिश हाँ मैं क्या थोड़े वास्ते ईसाई मत है ही नहीं कहीं मैं क्या अंजील पढ़ के देख ला मती दे अंजील विच हजरत ईसा कहिंदे हन मैं खुदा दा भेजा होया इसराइल घराने दी गुआतियां हुई पेड़ां नूं संभालण वास्ते आया। इसराइल एक कौम नहीं जे एक देश नहीं जे एक बरादरी नहीं जे एक गोत नहीं जे हजरत इब्राहिम की औलाद केवल एक खानदान है इसराइल उस खानदान के वास्ते है बाकी नहीं। मैं क्या जी होर कौड़ी गल सुन अंजीर विच लिखिया है एक बिरध माई आई ते आण के अरदास की प्रभो तुहाडे हथ शफा है मेरी जवान लड़की बीमार है एदे सिर ते रामद हाथ फेर दियो मेरी बच्ची नरोई हो जाएगी रोह कटिया जाएगा मेरी दुनिया वसदी रहेगी। हजरत तीसा पुछदे हन तू इसराइली है जवाब मिलिया नहीं प्रभु मैं कनानी हाँ। तो अंजील दे शब्द हैं मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तिया अगे पाने कदे तैयार नहीं ताकि वह धर्म सारिया वास्ते हो सकता है। यह गुरु नानक का धर्म है जिहड़ा हर धर्म नूं प्रमाण कह करके कहिंदा है कि नेक इंसान बने विचोले नाल कम नहीं उसरना सीधा निरंकार नाल जोड़ होर कोई रस्ता नहीं। तो गुरदेव दा तारा है खुला जिस वेले चाहे आ जाए। इस वेले भीमचंद नूं खबर पहुंची हंकार ने आवाज दी राजा भीमचंद जी वह कलगियां वाला जिहदे चरणा ते कईआं ने मत्थे रगड़दिया रगड़दिया जिंदगियां गुजार लईआं कि इन्नी वडियाई नहीं मिली जिनी हजूर नूं मिली है। तो तुहाडी कोई शख्सियत है ना तुहाडी हस्ती नूं गुरु भी प्रवान करता है ना जिहड़ा इन्नी खुली छुट्टी देंदा जिस वेले चाहे भीमचंद आ जाए। मैं किस वेले मन में यह आ जाए कि मैं कुछ हाँ खेड उदों बिगड़ती जे। खैर तैयारी की रेशमी पोशाक पहनी मोतियां की माला गल पाई हीरियां जी कलगी सिर ते राई मोटे मोटे राजपूत के नेत्र आत्मकद शीशे के सामने खलो के अपना आप वेखिया अंदरों हंकार ने आवाज दी राजा भीमचंदा तेरे ऐशरोब वाले औरंगजेब भी वेखे चुग जाए 17-18 साल का गुरु नहीं चुगेगा तू आप पक्का रही तू ना चुग जाई। पत्ती पढ़ाऊँगा पढ़ाऊँगा बाहर दरवाजे तक आया चेते रखो खालसा जी जब रब की दरगाह से भी जाओगे दरवाजे तक हजारा होंगे अगर इकलिया जाना पेगा तो कोई विचोला कम नहीं दे सकेगा। इस दीवान सजे है गुरदेव सिंह आसन से सुशोभित हैं संगत बैठिया हैं दातार जी के मोटे से कमान तीरा भरया पत्था गातरे कृपान सिर से सुनहरी चक्कर मथे से हीरिया जड़ी कलगी खबे हाथे बाल से सजा हाथ कदे तलवार की मुड़ से जाता है कदे उचेरा उठ रहा है मन निरंकार के नवे हुक्म सुनाने वास्ते काला पै रहे हैं। इस वे भीमचंद सामने आया हजूर की नजर न नजर मिली भाई गुरदास जी ने बड़ी टिकाणी भी कही है दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही बुद्ध की ना बुद्ध रही मत में ना मत रह मेनू ना चाहता भी हजूर के चरणों से टह पे।
गुरदेव ने तीर की मुखी लाई कंठ से कहा भीमचंद उचे ना उठ बई, असि उचिया नीवियां करने वास्ते नहीं आए, नीवियां उचिया करने वास्ते आए। रब ही है ना, उचिया नीवे कर दियो फिर भी सारे बराबर हो गए, मेरे टाऊ रस्ता है। जे नीवियां उचिया कर दियो फिर दूजिया के बराबर बराबर हो गए, सारू रस्ता है। भगत रविदास जी कहते हैं नीचा उच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। कई सज्जन पाठ नीचों करते नाराज ना होना, क्योंकि नन्ने नू बिहारी चचा और रहा दोवें मुक्ते हैं। जे अंकुर बिहारे नू हुंदा तो नीचो पाठ हो सकता सी, मगर उहदा मतलब हुंदा एक केवल एक बंदा, क्योंकि जिथे अंकुर है थले उथे एक वचन है। इस वेले गुरबाणी विच बहुवचन कर दिता जाए अंकुर गिर जाता है, जिथे आखिरी अखर मुक्ता है वह बहुवचन हो जाता है। ता मतलब है रविदास जी कहते हैं कि मेरा प्रभु मेरा गोविंद नीविया उचिया करता सारिया नीविया, मगर अगे एक अड़ौनी आ गई काहू ते न डरे, कि तो डरता नहीं। तो मेरी निजी राय है जिन्ना चर असी इतिहास तो जाणू नहीं उन्ना चर गुरबाणी के अर्थ करने मुश्किल हैं। तो जिन्ना चर गुरबाणी का ज्ञान ना हो इतिहास नाल इंसाफ भी नहीं किया जा सकता। तो इतने गोविंद काहू ते ना डरे कितों आ गया, मैं हुने रामायण की तुहानू गल सुनाई है। भगवान रामचंद्र जी भगवान भी कहा जाता, रब भी कहा जाता, तो पंडित तो डरता, एक शूदर कतल भी करता तो डर रहा है ना। तो कह रहे रविदास कि दुनिया के गोविंद डर जाया करते हैं, मेरा वह गोविंद है जो किसी तो डरिया नहीं करता, नीचा उच करे मेरा गोविंद कहूँ तो नहीं डरे। तीन जना उचा उठना भाई, साधारण तौर पर उठाया, फिर हजूर की नज़र न नज़र मिली, अखा चो गई, खब्बे पास तकिया, गुरदेव के खब्बे पास मसंध बैठे करते सन, साधु संत बैठे करते सन, मसलां दे टिलके हुए शरीर, वधियां हुई गोगड़ां, खुले खुले चोगे, कोटवियां सफेद पग्गां, लंबियां लंबियां हत्थां विच माला, नेत्र बंद, सुखमनी साहब दियां अस्तपदियां दोहरा रहे, मानो इंद्र की सभा के देवते हजूर की चरण तूड़ी परसन वास्ते धरती ते आ विराजे। इधरों पौंके भीमचंद ने सजे पासे देखिया, सजे पासे गुरदेव के सिपाही बैठे करते सन, जरनैल योधे बैठे करते सन, सरदारां दे सिरां ते सुनहरी चक्कर, मोढ़ियां ते कमानां, तीरां परे पत्थे, गातरे कृपाना, सरबलों के कड़िया नाल भरिया हुई वीणियां, जरा कबरू की बाह हिलदी, लोहे का कड़ा लोहे के कड़े आण के ठाकदा, मरदे मुँह तुनी पैदा हुंदी, खा खंड बिहंडंग, खल दल खंडंग, अतरण मंडंग वर बंडंग। एक पासे भीमचंद खब्बे पासे वेंदा है, कदे सजे पासे वेंदा है, एक पासे माला वाले बैठे ने, एक पासे तलवारां वाले बैठे ने, एक पासे संत, एक पासे सिपाही, एक पासे शांति, एक पासे शक्ति, एक पासे सिमरन, एक पासे सूरमताई, और दोवें गुण मनुख को केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दिते ने, इस तो पहले कदे किसी नहीं दिते, जिसनों पूर्व का चानन किया जाता है। मेरा इशारा महात्मा बुद्ध जी तो है, अहिंसा परमो धर्मा जीव रक्षा ही सब तो उत्तम धर्म है। इस ढंग यह प्रचार किया गया कि हथियार बनाना हथियार चलाना पाप करार दे दिता गया, लोग डुलिया नहीं तो धर्म रुड़िया नहीं। मैं कई बार क्या करता हाँ कि जिसने जिना है जे कीड़ी मारिया वह धर्म रुड़ जू तो बंदा मारने हिम्मत कितने रह जाएगी। दूजे पासे अरब के रेत थलिया मुहम्मद साहब ने तलवार लिशका के अपने मुठ्ठी पर पैरों कारों कहा, फौत लोल मुशरकी ना है सो वजह तो मुहम हत्ता लत को ना फितना हो, कतर करते चले जो काफर जिथे भी हाथ लगन गिना कि यह लड़ाई मुक नहीं जाती। लड़ाई मुकन तक है शर्त, ये कुरान की आयत है मेरी अपनी नहीं, इन्हें कि लड़ाई मुक नहीं जाती। तो मेरा प्रमाण तो इशारा है, एक पास से माला दीती, एक ने तलवार दीती, जिसने पंजा दरियावान की धरती पंजाब उत्ते आ के उस माला और तलवार की मिलनी हुई तो तलवार ने माला के मनके तोड़ के मिट्टी विच मिलाते खेरू खेरू कर दिते, जलील कर दिते। क्या इतिहासकार सिटा करता है मेरा सिमरन मेरी शांति नरा मिलपन पलमन सौ कौमां नूं कायर और बुजदिल बना दिया करता है। उहदे मुकाबले उत्ते मेरा बाहूबल मेरी राजसी ताकत है कौमां नूं सारम और अत्याचारी बना दिया करती है। एक डरन लग पैंदा है, एक डरन लग पैंदा है। मेरे नौवें बाबा जी कहिंदे ने ज्ञानवान दोहां चों कोई नहीं, जे ना डरन वाला ना डराउण वाला गुरदेव फिर ज्ञानवान किहनूं मनीए, पै काहूं को देत ने मैं पाए मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहिब खान। मगर भीमचंद इस रमद नूं समझिया नहीं, घबरा गया, हजूर मैं आराम चाहता हाँ। जिस वेले बाहर निकलिया पुराने साथी हंकार ने हलूणिया, कहिंदा वाह भीमचंद एक इशारे मिट गया है, घरों तड़ा मारदा तुर है था भरोसा मुझको दिल पे, कि दो घड़ी की मौज है दे कर उसको ये जारम भी उसी का हो गया, गुरु दे दीदार करके दिल भी उसे डकर बैठे। भीमचंदा संभल जरा, शान शौकत गुरु गोबिंद सिंह दी नहीं, उन्हें चीजा दी है जेड़िया ओदे कोल हैं ते तेरे कोल नहीं। दस प्रसादी हाथी वर्गा तेरे कोल कोई है, पश्मीनी चांदनी वर्गो को है, पंजकला हथियार कोई है,
ता दूसरे की इज्जत करने वालों दड़े फरेब और चूर दे कारण जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह को है यह ठग के अपने कब्जे च कर ला। वड़ियाई तेरी शान तेरी रोह तेरा। लालक की अग बाल के चलिया गया कि जे अपने मंत्रियों जाओ मंग के ले आओ फिर जावे फकीर करके लवेगा। गुरुदेव ने कहा जिस तरह साडा यह असूल है कि किसी ना धक्का करते नहीं किसी का धक्का सहते भी नहीं इस तरह किसी ना धोखा करते नहीं मगर किसी के धोखे आने वास्ते भी तैयार ने। कितनी नीति है भाई धोखे तो धोखा तो किसी ना करना पाप है पर किसी तो ठगे जाना जे पाप नहीं तो अज्ञानता तो है ना। किसी किसी कौम का लीडर यह कहना मैं सुनता हाँ ना जी उदो असी धोखा खा गए उदो फरेब आ गए उदो गलती हो गई भाई जिहड़ा ठगिया गया तुम तो ठगे गए ठगण वाला चातर होया तुसी की होए। सिद्धांत सिखी का कि ना धोखा करो ना कि धोखा दियो ना जवाब दे दिता भीम चंद साहब अच्छा नहीं है जो साफ नहीं ये गुरु नानक जी गद्दी का चढ़ावा है किसी को नहीं धजा चल सकता। अग लखठी चोट लगी होमे उत्ते राज हठ उत्ते तीन तरह के हठ मनते हैं ना बाल हठ राज हठ त्रिया हठ हूँ पुआड़ा इस गल कि दो हठ कट्ठे होए ने वरना गल कोई नहीं झगड़ा कोई नहीं हूँ दो हठ कट्ठे हो गए। खैर मैं अर्थ कर रहा कि भीम चंद के राज हठ से लगी चोट महाराज वाले एक धमकियां भरी चिट्ठी लिख रहा किवें भाई
तमकी कई तमकिया भी बड़ा राज होंदा पेट होंदा है उन्होंने सामने बहुत कुछ आ जाया करता है बहुत वड्डी तमकी दी है ना मैं रोड़ा लहू की तार विच तेरी गुरे आई मगर इतिहासकार कहंदा है लहू दिया नदिया विच रुड़न वाली कौमां तलवारां दे तुले बना के पार के किनारे पहुंच जाया कर दियां मर जेड़िया सोने दुश्मन की चांदी पिघली दे रोड विच रुड़ जान ना एक नारा रिया करदा ना ओ किनारा रिया करदा लहू दिया नदियां तरके सिंघासन के मालिक बन गए स मगर अंग्रेज के पिघले सोने विच रुड़ गए साढ़े लीडर से बर्बाद हो गए तो मेरी निजी राय है खालसा जी कौमां कदे नहीं हारियां या हारिया करदे उन्होंने आगू हारिया करदे तो बड़ी धमकी है ना दातार ने चिट्ठी पर सुनाई ते क्या खालसा जी प्रेम चंद का आ सुने आया दसे तो की जवाब देना चाहिए सारे सिर चुका के क्या सचे पातशाह साढ़े नाल साढ़े गुरदेव वधेरे जानते हैं यदा की जवाब देना चाहिए असी केवल इतनी बेनती कर सकते हाँ इस द्वारे जो भी आवे हर एक की भावना पूरी होंगी है तो भीम चंद की भावना भी क्यों ना पूरी कर दी जाए भाव जो लड़ाई चाहता खालसा लड़न वास्ते तैयार है कि जाहरा करामात नहीं जिथे अछूत अपने आप न कह लग पाया मैं छूत हाँ तू पासे अर्जी कि पिटे ना जाए उच्च जाति की आवाज गरीब की मौत के बराबर होया करती सी उथे उन्हें अछूतों खुरा के खड़े कर दिता और तलवारा लेके जरवाने के सामने खड़े हो गए इस बड़ी करामात की हो सकती हूँ गुरदेव का नित कर्म से जो भी कार्य कर लगते माता गुजरी जी की सलाह ले लिया करते ट्यूटर शब्द आप सारे समझते हैं तो मेरी राय है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के ट्यूटर माता गुजरी जी सन बचपन के पांच साल पिता के दर्शन भी नसीब नहीं होए चार दिहाड़े पिता की गोदी का निघ मारना मिले है नौवें पातशाह शहीद होने वास्ते तुर पे फिर माता गुजरी जी निगरानी तो मेरी निजी राय है जो मैं इतिहास का विद्यार्थी हाँ कि माता गुजरी जी वर्गी महान बलवान स्त्री सारे संसार चुन कोई पैदा नहीं की एक अंग्रेजी का खान है दहन द ट्रॉक्स द क्रैड रूल्स द वर्ल्ड वो हाथ जो बच्चे का पंगूड़ा हिला दुनिया के तख्ते राज करया करता है सो इसका मैं अर्थ यह लैना मावं केवल बच्चों जन्म नहीं देंदियाँ बच्चों का जीवन भी बनाया कर दियाँ अच्छा कोई कमजोर माँ किसी बलवान पुत्र कदे जन्म नहीं दे सकती फिर माता गुजरी जी ने सारे इतिहासकार ने जिस ढंग पेश किया है पढ़ के बड़ा दुख होंगे है टाइम समाप्त है सिर्फ दो मिनट थोड़े होर लेना चाहता हाँ कवि संतोख सिंह जी सूरज प्रकाश के करता क्योंकि उसनों इतिहासकार मनाया कहना सूरज प्रकाश जानता है मगर मैं इन्हें आलोचना लिखी है सिख इतिहास के सोमे पंजा जिल्दा में छप के तैयार हो गए जितना तिने गुरबिलास है ने श्री गुरु शोभा है महिमा प्रकाश है सूरज प्रकाश है एक श्री गुरु शोभा ने छड़ के सने सरूपदास पले और कवि संतोख सिंह जी दे गिनी इन्होंने सिक्खी नू टाल आई है शायद दुश्मन भी ना ला सके दलील देना भाई कवि संतोख सिंह जी बेदावे का जिक्र कर दिया माता गुजरी नू बेदावियां दा मोढ़ी मंदे साहब जी भाई कोप तब मात बनेरी लिखियो बेदावा जरनी न तेरी कि माता गुजरी एक गुरु गोबिंद सिंह नू लिख सकती है भी तू मेरा पुत्र नहीं तो मैं तेरी माँ हाँ माँ नहीं मैं तेन बेदावा देनी है एक पासे लगते जिगर है कोई संबंधी हद है नौ साल की उम्र में माता जी की शादी हुई है गुरु तेग बहादुर जी दो साल वडेरे सन सारी उम्र पति के चरणों में गुजारी है शरीर अरोग है तो क्या पुत्र जन्मया माता जी की उम्र 43 साल की इन्नी इन्हें संयम और इन्हें तप के बाद जो पुत्र प्राप्त किया है मेरा पुत्र ही नहीं जिसनों गुरु नानक का रूप भी माता जी मानते हैं उसनों कहने के बेदावा दे देता है इतनी अनेक मसाल मिल गई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कवि संतोख सिंह जी ने अफीम का और सुखे का इन्ना आदि साबित किया है चमकौर तो निकलते हैं जिस वे प्रभात वेला होया अफीम का नशा कोल नहीं टुट गया तो लिखते हैं कि अक् का दुध पी के तो फिर महाराज माछी वाले अपने जब भाई गुलाबा और सिख साम तिने पिछों पहुंचे ने कि पहला महाराज की मांग सी कि तो सुखा लियाओ ताकि प्यास बुझे कि इतनी बलवान शख्सियत न सुखे और अफीम का आदि मन लवोगे अनहोनी चीज है हूँ सवाल किया जाता मेरे से भी तू नावल लिखने छड़ के ए पासा क्यों अख्तियार कर लिया गुरु नानक की कृपा है